लीजिए मैडम का पिज्जा। अरे मैडम ये क्या, अबे ओए तुझे क्या बोला था, ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, और तुमने दरवाजा क्यों खोला? नहीं नहीं वो पिज्जा वाला आया था इसलिए दरवाजा खोला। ओके आप पिज्जा लो और दरवाजा बंद करो। ठीक है। मुझे लगता है मैडम खतरे में है, लेकिन इसका पति ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। देखो अगर अपनी जान बचाना चाहती हो ना तो ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, आई समझ में? हाँ बोलो। वो सर आपने पिज्जा की पेमेंट नहीं की। अच्छा अच्छा ठीक है एक मिनट रुको। हेलो, अरे तुझे बोला था ना रास्ता कर दिया, जल्दी आ। ये लो अपने पैसे, और हाँ यहाँ पे जो कुछ चल रहा ना अगर इसके बारे में बात अगर किसी को भी बताया तो तेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब निकल यहाँ से। हेलो मैडम प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, प्लीज आपको फोन दे दो एक बार। मैं क्यों दो अपना फोन, तुम मेरा फोन लेके भागे तो? मैम प्लीज किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। नहीं नहीं मैं नहीं दे सकती। अब एक काम करो ये 2000 रुपए रख लो और मुझे एक कॉल करने दो। अच्छा ठीक है लेकिन मेरे सामने खड़े होकर बात करो। अरे मैडम ये आपके पति आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसे नहीं जानती, ये मेरा कोई पति वती नहीं है, इसने तो मुझे यहाँ बंदी बना के रखा हुआ था। हेलो पुलिस। अबे प्रॉब्लम क्या है तेरी, दोबारा फिर आ गया तू? इस बार मैं अकेला नहीं आया। इंस्पेक्टर साहब यू आर अंडर अरेस्ट। थैंक यू सो मच आपने मेरी मदद की। अरे वो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आदमी था कौन? वो हुआ यूं था कि मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था, अब थोड़ी देर बाद दरवाजे पे दस्तक हुई, उसने मुझे किडनैप कर लिया। शुक्र है भगवान का मुझे टाइम पे भेज दिया, नहीं तो आज बहुत गलत हो जाता। आगे से ना दरवाजा ध्यान से खोलना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं चलता हूँ। ये बात तो सच है, ऊपर वाला कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देता।